क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, प्रेस ऑन बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनाली जांगड़ एंड आई एम हियर टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट PostgreSQL। PostgreSQL बेसिकली हेल्प्स यू टू एम्पावर योर डेटा। सो हमने जैसे हमारे प्रीवियस सेशंस में देखा है हाउ दिस लैंग्वेज वर्क्स, कैसे हम इसको यूज़ करके हमारी क्वेरीज को जनरेट करते हैं। आज के सेशन में हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली डेटाबेस डिज़ाइन इज। सो व्हाट इज डेटाबेस डिज़ाइन? डेटाबेस डिज़ाइन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डिटेल्ड डेटा मॉडल फॉर अ डेटाबेस। ये बेसिकली एक बेस बनाने के काम आता है ताकि हम एक फ्रूटफुल डेटा जनरेट कर सके। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड, डिफाइनिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा एंड ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ वे दैट सपोर्ट्स एफिशियंट स्टोरेज। इट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एन एफिशियंट, स्केलेबल एंड रिलायबल डेटाबेस सिस्टम। जैसा मैंने एक बात करी, ये एक नींव की तरह काम करता है। तो अगर आपको एक बहुत सक्सेसफुल बिल्डिंग खड़ी करनी है तो यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। इसके लिए आप एक नींव खड़ी करोगे। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जैसे कि डेटा मॉडलिंग हुआ, नॉर्मलाइजेशन, स्कीमा डिज़ाइन, इंडेक्सिंग, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये 6 की एस्पेक्ट्स हैं जिसको यूज़ करके हम एक सक्सेसफुल डेटाबेस डिज़ाइन बना सकते हैं। इनका एक्सप्लेनेशन देखें, सो फर्स्ट वी हैव डेटा मॉडलिंग। दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द एंटिटीज। अब एंटिटीज़ क्या होते हैं? या तो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं और इनसे मिला के हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे भी। देन वी हैव नॉर्मलाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन अ डेटाबेस टू मिनिमाइज रिडंडेंसी एंड डिपेंडेंसी। रिडंडेंसी और डिपेंडेंसी को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करते हैं। हम इस पार्ट को भी आगे देखेंगे। Then we have schema design. The schema defines the structure of the database. अगर मैं आपको layman language में बात करूँ तो schema क्या करता है? Categorize कर देता है। For example, अगर मेरा schema is DBO तो मैं DBO dot अपनी tables के नाम बनाऊँगी। तो DBO dot student, DBO dot department, ये मेरी tables के नाम हुए। DBO मैंने एक schema बना दिया। Then we have indexing. It involves creating indexes on certain columns in the database table to improve the performance of queries. देन वी हैव परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। मुझे अगर अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करना है तो डेटा बेस डिज़ाइन ऑल्सो इन्वॉल्व ऑप्टिमाइजिंग द डेटा बेस स्कीमा एंड क्वेरी परफॉर्मेंस। और ये हमारे सिस्टम के जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसको मीट करता है। देन वी हैव सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि हमारे डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। इसमें ये इट इंक्लूड्स एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंक्रिप्शन, कंप्लाइंस विद डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन। जैसे कि आपको पता है कि हमें अपने डेटा को इनक्रिप्ट करना होता है ताकि डेटा लीकेज ना हो, कोई और अथॉरिटी हमारा डेटा रीड ना कर सके, उसे गलत तरह से यूज़ ना कर सके, इसलिए सिक्योरिटी काम आती है। नाउ हाउ टू अप्रोच डेटाबेस डिज़ाइन? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में हमने डेटाबेस दिखाया है, तो एक सैम्पल डेटाबेस है। नाउ डेटाबेस डिज़ाइन को अप्रोच करने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? You can have identify the requirements. Then we have identify the entities. यहाँ आप देखोगे मैंने point out किया database. Identify the requirement. Identify the entities. Define relationships. Then normalize data. Design and further refine the schema. Then we have implement schema and test it. Optimize performance. And then we have maintenance and iteration. अगर मैं आपको explain करूँ तो कभी भी किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम बेस की बात कर रहे हैं, तो डेटाबेस डिज़ाइन भी यही अप्रोच अपनाता है कि हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास एक बेस होना ज़रूरी है। उसके लिए हमें एक रिक्वायरमेंट जाननी ज़रूरी है कि आपका एंड गोल क्या है। वो जानने के लिए यू विल बी आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट, एंटिटीज़ मतलब जो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, और फिर आगे आपका प्रोसेस होगा। सो कंसिडर एन एग्जाम्पल, लेट्स डिज़ाइन डेटाबेस फॉर लाइब्रेरी। ठीक है, अब एंटिटीज़ क्या क्या होंगी लाइब्रेरी में? बुक्स और नॉवल्स, ऑथर्स, मेंबर्स। अब बुक्स और नॉवल्स कौन सी हैं? जो पढ़ते हैं आप। ऑथर्स वो हैं जिन्होंने वो बुक्स को लिखा है, एंड मेंबर्स वो हैं जो कि इस पूरी लाइब्रेरी में इस सेक्शंस को संभाल रहे हैं, जैसे फिक्शन हो गया, साइंस हो गया। देन भी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद इन? तो सबसे पहले वन टू मैनी रिलेशनशिप है कि एक ऑथर मैनी बुक्स को संभाल सकता है, और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, मैनी स्टूडेंट्स कैन बोरो मैनी बुक्स। ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। हम इस रिलेशनशिप को अपनी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ हम आपको ब्रीफ आउट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज स्कीमा डिज़ाइन? सो क्रिएशन ऑफ टेबल्स हैविंग मल्टीपल एंटिटीज एंड रोल्स।
ठीक है, हमने अपना स्कीमा डिज़ाइन कर लिया जहाँ पे हम मल्टीपल टेबल्स बना सकते हैं इनको यूज़ करके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन. ठीक है, हमने एक लाइब्रेरी के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन किया है. वील पे डिस्कसिंग रिलेशनशिप्स. ओके, थैंक यू सो मच.